अब हम थोड़ा सा देखेंगे, हमने अभी जाना था इंटरेक्टिव मोड के बारे में, अब हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं स्किट मोड के बारे में। तो इंटरेक्टिव मोड में हमने ये देखा था कि भाई डायरेक्ट कमांड रन तो हो रही है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है कि इंटरेक्टिव मोड, द ड्रॉबैक ऑफ इंटरेक्टिव मोड इज़ दैट वी कैन नॉट सेव द कमांड दैट वी टाइप। यानी जो भी कमांड हमने टाइप की है, जैसे कि अभी पीछे हमने प्रिंट किया था, जो भी हम प्रिंट करा रहे थे वो प्रिंट तो हो रहा था, डायरेक्ट रन भी हो रहा था, वो इमीडिएटली रन हो रहा था, लेकिन आप उसे सेव नहीं कर सकते। जब सेव नहीं कर सकते तो उसे आप एडिट भी नहीं कर सकते। और ये जो प्रॉब्लम थी सेव करने वाली, इसको ओवरकम किया गया था, इसको ख़त्म किया गया था किसमें, स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप अपनी पूरी सारी कमांड एक बार टाइप कर लेते हैं, उसको फिर सेव करते हैं, देन आफ्टर दैट आप उसको रन कराते हैं। तो इमीडिएटली रन नहीं होती कि आपने कोई टाइप कमांड टाइप किया और उसके बाद आप इमीडिएटली उसको रन करें, तो वो आपके लिए स्किप मोड नहीं होता है। स्किप मोड होता है कि जहाँ पे आप अपनी कमांड्स को पहले टाइप करते हैं, देन सेव करते हैं, और उसके बाद आप क्या करेंगे उसमें, वहाँ पर उसको रन कराएंगे। तो स्किप मोड कैसे ओपन होगा, तो कुछ नहीं करना होता है कि जब आप होते हैं इंटरेक्टिव मोड में, जैसे कि मैं पीछे बता रहा था, जब आप इंटरेक्टिव मोड में होते हैं तो इंटरेक्टिव मोड के आप फाइल में जाएंगे, फाइल में आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा, न्यू ऑप्शन में या आप कंट्रोल प्लस एन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक फाइल मोड ओपन हो जाएगा, यानी आपके पास स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। और स्क्रिप्ट मोड के ऊपर आपने क्या करा, अपनी कमांड सारी टाइप कर ली। हमने देखा यहाँ पे, जैसे मैं प्रिंट कमांड रन करा रहा हूँ, मुझे इमीडिएटली आउटपुट नहीं आ रहा। मैंने 3 प्रिंट कमांड यहाँ पे रन कराई और मुझे आउटपुट नहीं आया। फिर मैंने इसको सेव किया और फिर उसके बाद जैसे मैं रन कराया तो मेरे पास सेल पे मुझे क्या मिला, इसका आउटपुट। आउटपुट हमेशा आपको जाके प्रॉम्प्ट पे मिलेगा, स्क्रिप्ट मोड पे कभी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। आउटपुट आपको हमेशा कहाँ पे मिलेगा, सेल पे, पाइथन सेल पे। पाइथन सेल का मतलब हो रहा है आपके पास इंटरेक्टिव मोड पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप अपने कमांड्स को सेव कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकेंड में भी कुछ इस तरीके से दे रखा है आपके पास कि लोकेश has taken a loan of 4000 from Binod. लोकेश ने क्या करा, लोन लिया 4000 बिनोद, 40000 बिनोद से लिया। रेट क्या था उसका, 8% पर है ना। आफ्टर 6 ईयर ही वांट टू रीपे द लोन इन फुल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, राइट द पाइथन कोड। अब आपको पाइथन कोड लिखना है किसके अंदर, स्क्रिप्ट मोड में, और टू कैलकुलेट और डिस्प्ले करना इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द लोकेश टू सेटल हिज अकाउंट। यानी उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए उसे क्या करना है, टोटल अमाउंट भी बताना है कि कितना उसका टोटल अमाउंट आएगा और उसका कितना इंटरेस्ट होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करा आपने, प्रिंसिपल, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, और वो कौन सा फॉर्मूला होता है, पी एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी इंटरेस्ट, ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, प्रिंसिपल पहले दिया 40000 था, रेट यहाँ पे कितना था, 8 था, टाइम कितना था, 6 था। ये प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, ये सब आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं, ये आगे आएगा उसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे। अभी जो हमें यहाँ पे समझना है वो केवल ये समझना है कि स्क्रिप्ट मोड क्या होता है आपके पास और इंटरेक्टिव मोड क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड के अंदर कमांड्स को लिख रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट हम उसको क्या करा रहे हैं, रन करा रहे हैं। लेकिन रन जो हो रहा है हमारे पास वो कहाँ पर हो रहा है, पाइथन सेल पर ही रन हो रहा है। ओके, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा इसके अंदर वो हमने जाना किस किस के बारे में, स्क्रिप्ट मोड के बारे में हमने थोड़ा सा जाना, और हमने जाना किसके बारे में, थोड़ा सा पाइथन और स्क्रिप्ट मोड के बारे में हमने जाना, और हमने इंटरेक्टिव मोड के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम के बारे में जानते हैं कि पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर मतलब उसमें कमांड्स को लिखा कैसे जाता है, फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें। तो हम जानते हैं कि पाइथन प्रोग्राम कंसिस्ट करता है, बना होता है बहुत सारे एलिमेंट्स से, स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कमेंट्स होते हैं। इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपका स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो विच आर सिंक्रोनाइज, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं कुछ इस मैनर में, प्रोग्राम के अंदर होते हैं मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स कंटेन करते हैं स्टेटमेंट्स को। अभी आपको कोई टेंशन वाली जरूरत नहीं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। तो प्रोग्राम बनता है मॉड्यूल से, और मॉड्यूल बनते हैं स्टेटमेंट्स बनते हैं एक्सप्रेशन से, और एक्सप्रेशन कंटेन करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे सैम्पल एक एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी सारे इसके एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं किसका, एक पाइथन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम थोड़ा सा जानेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो लेट अस सी अ सेवरल कंपोनेंट ऑफ ए बेसिक पाइथन प्रोग्राम। बेसिक पाइथन प्रोग्राम के सेवरल कंपोनेंट, सबसे पहले कमेंट। कमेंट
किसको बोलेंगे, नीचे डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी देख लीजिए, जो हैश के साथ लिखा जाता है वो सारे कमेंट होते हैं, जो हैश के साथ लिखे जाते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, कमेंट करते हैं। ये कभी भी आपके इंटरप्रेटर के थ्रू रन नहीं होते। तो बात ये आती है कि भाई इनको लिखा क्यों जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में या किसी भी फंक्शन के बारे में, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक अपने कमेंट को लिख सकते हैं। कमेंट दो तरीके से लिखे जाते हैं, लाइन की शुरुआत में भी लिखा जा सकते हैं या एक लाइन के साथ भी लिखा जा सकता है, जिसको हम इनलाइन फंक्शन, इनलाइन कमेंट्स के भी बोलते हैं। तो ये आपके पास कमेंट्स हो गए, ये आपके पास फंक्शन हो गया डेफ। डेफ एक कमांड होती है जिसके थ्रू आप एक फंक्शन बनाते हैं, तो डेफ एक कमांड है। फंक्शन कौन सा बनाया गया, डिफाइन किया है, ग्रीट। और एक बात ध्यान रखना, मोस्टली केसेस में या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा फंक्शन को हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखा जाता है, यानी फंक्शन के साथ, सॉरी पैरेंथेसिस के अंदर, फंक्शन के साथ हमेशा ये राउंड ब्रैकेट लगाया जाता है, जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। राउंड ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, विदाउट इसके फंक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। एक दो केसेस को छोड़ देता हूँ, मोस्टली केसेस में ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन की बॉडी हो गई। देन यहाँ पे मेन प्रोग्राम जो लिखा हुआ, ये भी आपके पास कमेंट है, क्योंकि इसको भी हैश साइन के साथ स्टार्ट किया गया है। नीचे आप देखें, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये सब आपके एक्सप्रेशंस हैं, ये सब क्या आपके स्टेटमेंट्स, ये सब हो गए आपके स्टेटमेंट्स हो गए। अब स्टेटमेंट में भी क्या है, ये जो 10 हो गया, 20 हो गया, बी प्लस ए है, ए हो गया, बी प्लस 50 हो गया, और आपके पास ये सी हो गया, ये सब क्या है तुम्हारे एक्सप्रेशंस हैं। ये सब क्या कहलाएंगे आप लोगों के, एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। अब ये जो जगह छूटी हुई है आपको यहाँ देख रहा होगा, देखो ये स्पेस छूटा हुआ, ये स्पेस छूटा हुआ, ये इसको कहते हैं इंडेंटेशन। ये क्या लाएगा आपका, इंडेंटेशन। ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में। और नीचे ग्रीट, देखो ग्रीट नाम का हमने एक फंक्शन ऊपर बनाया था, हमने उसको नीचे दोबारा से यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शन कॉल। कि एक बनाए फंक्शन को अगर हम दोबारा से यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। और यहाँ पे आप देखें कि कमेंट आपके बस यहाँ पे बना रखे हैं, लेकिन कमेंट लाइन में ही है फंक्शन की, इफ स्टेटमेंट है, इफ आपके पास क्या एक कंडीशन स्टेटमेंट है, उसी के लाइन में आपको एक कमेंट को डाला गया, तो दैट इज़ कॉल्ड द इनलाइन कमेंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। वैसे तो यहाँ बता दिया, एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग, यानी जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करे, लाइक नंबर, स्ट्रिंग, एलिमेंट, एनी वैल्यू इज एक्सप्रेशन। कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, एक्सप्रेशन। जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी, भाई मेरा 10x एक्सप्रेशन था, 20 मेरा एक्सप्रेशन था, ये बी प्लस ए मेरा एक्सप्रेशन था। तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग, जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा आपके पास, एक एक्सप्रेशन कहलाएगा, स्टेटमेंट। एनीथिंग दैट डज समथिंग इज अ स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट में वो कोई भी हो सकती है, वो एक्सप्रेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो कुछ ना कुछ आउटपुट आपको दे। देखा ना, एनीथिंग दैट डज समथिंग इन इज अ स्टेटमेंट, कि कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ करे, कुछ उसका एक मीन हो उसके पीछे, दैट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। एनी असाइनमेंट टू ए वेरिएबल और फंक्शन कॉल इज अ स्टेटमेंट, तो हम जो फंक्शन कॉल करते हैं दैट इज ऑल्सो आपका स्टेटमेंट कहलाता है, या कोई भी वेरिएबल हम असाइन करते हैं वो भी क्या कहलाता है, स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ए, ए बी सी, ये मेरे सब क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, भाई ए ने वैल्यू को कंटेन करा 10, बी का एक मतलब तो है, तो वही तो बोला था डज समथिंग, जो कुछ ना कुछ करे, तो यहाँ पे कर तो रहा है ये, क्या कि ए 10 को कंटेन कर रहा है, बी 20 को, सी बी प्लस ए को, तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, वैसे तो वेरिएबल कहलाते हैं लेकिन ये स्टेटमेंट्स ही है। कमेंट, कमेंट के बारे में जैसे कि मैं बता चुका था कि वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि भी आउटपुट में नहीं आती, और कमेंट को लिखने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसका, हैश साइन का, हैश का इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल क्वोट्स का इस्तेमाल करते हैं, या सिंगल क्वोट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रिपल क्वोट्स मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है डिफाइंड अंडर ए पर्टिकुलर नेम। फंक्शन जो कोई काम करे, फंक्शन, फंक्शन ही हम डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमने किसी नाम से डिफाइन कर लेते हैं और एक बार हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जितनी बार हम उसे यूज़ करना पड़े हम उसको बार बार यूज़ करते रहते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया भी था आपको कि ग्रीट, ग्रीट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया था कि जब भी मैं इसको ग्रीट को लिखूंगा मुझे प्रिंट ये हो जाएगा। मैंने यहाँ फंक्शन कॉल की, अब मैं इसको जैसे प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे फिर से मुझे लिखाएगा हेलो पाइथन लर्न, मुझे दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक बार हम जब फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं उसको जितनी बार भी अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक रेफर टू अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शन से, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से जो रिलेटेड थिंग्स होती हैं,
जिसे वो सब क्या है, एक सिंगल ब्लॉक में लिखी जाती हैं। जैसे ए ब्लॉक रेफर टू अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक साथ हमें दिखाना होता है तो ब्लॉक होता है, विच आर पार्ट ऑफ ए अनदर स्टेटमेंट, जो किसी दूसरे स्टेटमेंट का किसी दूसरे फंक्शन का पार्ट होता है और उस फंक्शन को एक इंडेंटेशन के साथ, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको यहाँ समझ सकते, जैसे मैंने डेफ नाम का एक फंक्शन, डेफ कमांड से ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया और इसके अंदर जो भी मैंने लिखा जाएगा वो इस इंडेंटेशन के साथ लिखा जाए, यानी जो ब्लैंक स्पेस हम स्टार्टिंग से छोड़ते हैं, तो प्रिंट या जो भी मैं इसके अंदर बॉडी लिखूंगा वो सब इस इंडेंटेशन के साथ लिखी जाएगी और वो सब क्या कहलाएगा, एक ब्लॉक कहलाएगा। ओके, तो अब पीछे एक दो बार बात आई थी वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है और डाटा टाइप्स, बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत बार कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जहाँ पे हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे। जब तक आप पाइथन पढ़ेंगे वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल क्या से डिफाइन करते हैं, क्या होता है वो, तो वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, मींस कंटेनर क्या काम करता है, किस चीज़ को स्टोर करने के लिए, जिसमें हम कोई चीज़ रख सकते हैं। तो वेरिएबल भी क्या होता है, इज लाइक अ कंटेनर, ये कंटेनर की तरह होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं। आप उन वैल्यूज़ को बाद में एक्सेस भी कर सकते हैं, एक बार जो वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ली आप उसे एक्सेस भी कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जो पर्पस होता है यूजिंग वेरिएबल का इज़ टू अलाउ द स्टोर्ड वैल्यूज़ टू बी यूज लेटर ऑन। मेन पर्पस होता है इस वेरिएबल को डिफाइन करने का कि हमने जो इसके अंदर वैल्यू को स्टोर किया उसको बाद में हम जितनी बार चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट एनी ऑब्जेक्ट और ए वेरिएबल इन पाइथन इज़ अ नेम that refers to a value at a particular memory location। और क्या होता है कि जो भी एक आपके पास पाइथन के अंदर वेरिएबल होता है उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशंस होती है और उसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। वेरिएबल जो होता है पाइथन के अंदर या जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वैल्यू, पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन वैल्यू को स्टोर करता है और वो प्रोसेस करता है थ्री कंपोनेंट्स को। पहला कंपोनेंट होता है वैल्यू, दूसरा होता है आइडेंटिटी और तीसरा होता है टाइप। ये वैल्यू क्या होता है, इट रिप्रेजेंट एनी नंबर, ये कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी लेटर को रिप्रेजेंट करता है, टू असाइन एनी वैल्यू टू ए वेरिएबल वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल। अब उन्होंने क्या, वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो वैल्यू होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जान रहे थे कि वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू एनी नंबर और अ लेटर और अ स्ट्रिंग टू असाइन एनी वैल्यू टू, यानी जो भी किसी वैल्यू को असाइन किया था, जैसे जस्ट लाइक वैल्यू होती क्या, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 6, तो ए इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द वैल्यू 6। इसके अंदर मैंने क्या वैल्यू स्टोर की, 6, तो ए मेरे पास एक वेरिएबल हो गया। तो इट रिप्रेजेंट एनी नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है एनी नंबर, कोई भी नंबर को, और ए लेटर टू ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टू असाइन एनी वैल्यू टू ए वेरिएबल, किसी भी वैल्यू को हम किसी भी वेरिएबल के लिए असाइन कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है आपके पास, इक्वल होता है। तो अब मैं जब भी ए को यूज़ करूँगा अपने फंक्शन के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उस ए का मीन होगा 6। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स होता है कि पाइथन प्रोग्राम क्या करता है कि ए इज इक्वल टू 6 जो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे डाटा को स्टोर कर देगा, यानी इस वैल्यू को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर कर देगा, उसको एक एड्रेस प्रोवाइड करा देगा जिसको मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता, इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन से उठा के। आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको ये वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा और प्रिंट कराना पड़ेगा, आपको 6 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कहलाती है आइडेंटिटी। तो वैल्यू ए वेरिएबल के लिए मैंने 6 वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर ली, तो दैट ये वेरी वैल्यू हो सकती है, या ए इज इक्वल टू बी प्लस 6 हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है आपके पास जो भी आप स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। आइडेंटिटी, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर उसको स्टोर किया जाता है। ए टाइप, अगर आप उस आईडी को पता करना चाहते हैं तो आईडी वेरिएबल नेम डाल दीजिए, आईडी और वेरिएबल नेम ए, और आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, तो आपको क्या होगा, आपके पास इसकी लोकेशन पता लग जाएगी, किसकी लोकेशन है, क्या आइडेंटिटी है। टाइप, टाइप का मीन्स है कि मैंने लिखा यहाँ पे ए इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 का जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। तो मोस्टली क्या होता है, जब भी हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक वैल्यू से, एक आइडेंटिटी से, और तीसरा आपके पास टाइप से। टाइप मतलब उसका डाटा टाइप है क्या, डाटा टाइप क्या होगा वो थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका इंटीजर है, बुलियन है, या फ्लोट है, या कॉम्प्लेक्स है, जो भी है वो डाटा टाइप, वो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये तीन मेन इसके कंपोनेंट्स होते हैं वेरिएबल के, एक आपके पास वैल्यू होता है, एक आइडेंटिटी होता है, और तीसरा वन आपके पास होता है टाइप।
तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जानते हैं किसके बारे में, डाटा टाइप के बारे में। जैसे कि नाम यहाँ पे आया था कि डाटा टाइप, तो डाटा टाइप जैसे कि आपके पास ये टेबल दिख भी रही है, तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। नंबर डाटा टाइप होता है, नन होता है, नंबर के अंदर भी आते हैं, इंटीजर आता है, फ्लोटिंग पॉइंट आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, बुलियन आता है, बुलियन इंटीजर के अंदर आता है। इसके बाद एक नन डाटा टाइप होता है, क्या होता है इसके बारे में बाद सिक्वेंस से हम पढ़ेंगे। एक होता है सिक्वेंस डाटा टाइप, स्ट्रिंग, टपल्स, लिस्ट, एक सेट्स डाटा टाइप होता है, और एक होता है मैपिंग जो कंटेन करता है डिक्शनरी को। ओके, जो कंटेन करेगा आपके पास किसको, डिक्शनरी को। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नंबर या न्यूमेरिक डाटा टाइप। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये वो डाटा टाइप होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, नंबर्स को स्टोर करते हैं। जैसे कि एक अंदर मैंने 6 को स्टोर किया था, तो ए इज इक्वल टू 6 जो स्टोर हो रहा था, ये कौन सा है, नंबर डाटा टाइप है। लेकिन थोड़ा इसमें डिफर होता है कि इसके अंदर जब ये मेरा डाटा टाइप होता है तो इसके अंदर मैं इस तरीके से डाटा को स्टोर नहीं कर सकता, ये इंटीजर डाटा टाइप नहीं कहलाएगा, ये नंबर डाटा टाइप, ये मेरे पास ये नंबर या न्यूमेरिक डाटा टाइप नहीं कहलाएगा। ये मेरे पास कौन सा है, नंबर डाटा टाइप है, चाहे मेरे पास ए इक्वल टू 6 हो, ये हो। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है कि नंबर डाटा टाइप के भी पार्ट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जो बात कर रहा था वो किसकी बात कर रहा था, नंबर या न्यूमेरिक डाटा टाइप, चाहे मेरे पास वो इस तरीके से हो या ये, कोई भी जो होता है वो मेरा नंबर डाटा टाइप कहलाता है। अब नंबर डाटा टाइप को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देगा। सबसे पहला इंटीजर या लॉन्ग, टू स्टोर होल नंबर। इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, होल नंबर्स को स्टोर करते हैं विदाउट ए फ्रैक्शन पार्ट, दे कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। यानी इंटीजर नंबर डाटा टाइप में कोई भी नंबर हो, चाहे वो डेसिमल हो, विदाउट डेसिमल हो, या वो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में आप लोग इस चीज़ को जान चुके होंगे, जो कि रियल नहीं होते, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसके अंदर एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। 3 पार्ट्स होते हैं आपके पास नंबर डाटा टाइप के, तो इंटीजर एंड लॉन्ग। इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हैं कौन सी, विदाउट फ्रैक्शन पार्ट। यानी मैंने अभी जो पीछे किया था ए इक्वल टू 6 और मैं उसको बोला था इंटीजर डाटा टाइप, इसलिए बोला था ए इक्वल टू 6 और मैंने इसको क्या बोला था, इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप के अंदर आप डेसिमल पार्ट को स्टोर नहीं कर सकते, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। तो हम फिर ये डेसिमल पार्ट स्टोर किसके अंदर करेंगे, डेसिमल पार्ट स्टोर किया जाता है डाटा टाइप फ्लोट के अंदर, जो कि पार्ट है किसका, नंबर डाटा टाइप का। फ्लोट के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं जिसके अंदर ये है। तो ए इज इक्वल टू 6.9 अगर मुझे डाटा टाइप स्टोर करना है तो मेरे पास कौन सा डाटा टाइप कहलाता है, फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट डाटा टाइप मेरे पास कहलाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे बुक में देखेंगे, आपके पास कुछ ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, जहाँ पे एक ई लेटर है। ई लेटर का मतलब क्या होता है, ई लेटर का मतलब 10 की पावर। 10 की पावर का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है 3 पॉइंट। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी आप इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, दे कैन बी रिप्रेजेंट इन साइंटिफिक नोटेशन वेयर द अपर केस और अ लोअर केस लेटर ई सिग्निफाइंग द 10th पावर। तो इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट के साथ भी, और आप उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। 3.8E2 का मतलब हो गया 3.8 × 10^2। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा 380.0, क्योंकि फ्लोटिंग है तो डेसिमल पार्ट तो आएगा, अगर नहीं भी होता है तो उसके अंदर वो 0.0 अपनी तरफ से लगा देता है। तो ई के बाद जो नंबर लिखा होता है वो 10 की पावर हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा 3.8E3, तो इसका मतलब होगा 3.8 × 10^3। तो ये 10 की पावर को शो करता है कि ई मतलब होता है 10th और ई 3 मतलब हो गया पावर, तो ये 3800.0। अगर लिखा हुआ 7.2E1, तो इसका मतलब हो गया 7.2 × 10^1, यानी 72.0 ये आपके पास हो गया। तो अगर आप ये डेसिमल पार्ट किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो उसका डाटा टाइप आपको फ्लोट रखना पड़ेगा। अगर आप किसी के अंदर विदाउट डेसिमल पार्ट डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसका डाटा टाइप आपको रखना पड़ेगा इंटीजर। कॉम्प्लेक्स, अगर कई बार कंडीशन ऐसी आती है कि मुझे वही अनरियल यानी रियल डाटा स्टोर नहीं करना, तो मुझे वहाँ पे कुछ इमेजिनरी पार्ट आ जाता है मेरे पास स्टोर करने के, तो मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा डाटा टाइप होता है, जिसके एक पार्ट होता है रियल का और इमेजिनरी का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, a+bj। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो जे की जगह वहाँ पे आई आता है, कोई दिक्कत नहीं, आयोटा होता है तो उसको यहाँ पे किससे दिखाया जाता है, जे से। जे का मीन्स होता है, अगर जिस नंबर के साथ जे लिखा होगा वो आपके पास एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। वेयर ए इज फ्लोट, ए फ्लोट है और बी के आपके पास रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। वी वैसे तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, लेकिन ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा आपका। 3j-2 यानी इसको इस तरीके से लिखा जाता है, -2 + 3j, पहले रियल पार्ट देन फिर इमेजिनरी पार्ट। टाइप आप यहाँ पे देख रहे हैं तो टाइप में क्या दिखा रहा है आपको, वो कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है।
ओके तो ये हम थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं किसके नंबर डाटा टाइप को। अभी हमने इसमें जाना कि अभी हमने किसको जाना यहाँ पे अभी जाना हमने यहाँ पे नंबर डाटा टाइप को। नंबर डाटा टाइप को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इंटीजर में, फ्लोट में, कॉम्प्लेक्स में। अब हमने इंटीजर के अंदर भी देखा था कि हमारे पास इंटीजर के अंदर क्या था, बुलियन। ये बुलियन कौन सा डाटा टाइप होता है जो कि इंटीजर के अंदर ही आता है, यानी डेसिमल पार्ट इसके अंदर होगा नहीं। तो ये वो डाटा टाइप होता है, ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन मतलब हमें ये बताना होता है कि आइदर विच वन इज़ ग्रेटर, कि भाई ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। तो अगर हमें इस तरीके से कंपैरिजन करना होता है तो हम कंपैरिजन में डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, बुलियन डाटा टाइप। इसको हम थोड़े एग्जांपल से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वूल अंडरस्कोर वन, ये कुछ नहीं, ये आपके पास एक वेरिएबल है जहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू भी लिख सकता हूँ। इसमें आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ए इज इक्वल टू तो यहाँ पे हमने लिखा ए इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 2। इसका मतलब है कि 5 कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्या 5 12 के इक्वल है 6 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। या तो आंसर आपको फॉल्स मिलेगा या आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वूल 1 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, वूल अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 4 इंटू 2 की पावर 4। इस तरीके से तो पहली कंडीशन जब प्रिंट करे फॉल्स, दूसरी कंडीशन प्रिंट करे फॉल्स, तीसरी कंडीशन में आपको क्या मिल जाता है, ट्रू। तो इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि मैं आपको कल अपलोड कराऊँ। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कौन सा डाटा टाइप, केवल नंबर डाटा टाइप। थैंक यू।